हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बेसन का टेस्टी चीला। ये चीला झटपट बन भी जाता है और खाने में लाजवाब होता है, बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं टेस्टी चीला कैसे बनता है। एक कटोरी बेसन लिए हैं, इस बेसन को बड़े बाउल में डाल देंगे। बेसन को चलनी से चाल लिए हैं। बेसन में आधा चम्मच नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालेंगे, जीरा काली मिर्च का पाउडर रखे हैं चौथाई चम्मच, इसे भी डाल देंगे, चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, हरी मिर्ची काट के रखे हैं एक पीस, इसे भी डाल देंगे, कटा हुआ अदरक डालेंगे, चार पांच कली लहसुन काट के रखे हैं इसे भी डाल देंगे, एक टमाटर काट के रखे हैं इसको भी डाल दिए, एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज डालेंगे। इन सब चीजों को मिला लेंगे। बेसन में कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोलेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से ये अंदाज लग जाता है कि घोल में कितना पानी लगेगा। न इसे ज्यादा गाढ़ा रखना है न ज्यादा पतला लगना है, इसको बराबर चलाते हुए घोलना है। इस घोल को बराबर चलाते हुए फेटेंगे तो इसमें कोई लम्स नहीं रह जाएगा। घोल न तो ज्यादा गाढ़ा है न ज्यादा पतला है, हमको जैसा घोल चाह रहा था वैसे ही परफेक्ट तैयार हुआ है। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। बेसन के घोल को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसे अच्छे से एक बार मिला लेंगे। घोल अच्छे से मिक्स हो गया है, अब गैस की तरफ चलते हैं इसको बनाने के लिए। गैस पर तवा गर्म होने के लिए रख दिए हैं, अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब एक कलछुल घोल को तवा पे डाल देंगे और इस तरह से फैला लेंगे। चीला को 2 मिनट बाद पलटेंगे। चीला को तवा पे डाले हुए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसे पलट लेंगे, हल्का हल्का दबा देंगे। चीला को अलट पलट कर दोनों तरफ अच्छे से फ्राई करना है। बेसन का चीला दोनों तरफ अच्छे से पक गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह और चीले को भी पकाना है। सभी चीला बन के रेडी हो गया है। बेसन का चीला खाने के लिए रेडी है। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और झटपट बन भी जाता है, इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। तो इस तरह से बेसन का चीला एक बार आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।